नमस्कार दोस्तों, मैं अंसारी सर निर्णय अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 5 वीडियो में हमने आपको भाषा से संबंधित कई बातें बताई, जैसे भाषा क्या है, बच्चों में भाषा का विकास किन रूपों में होता है, भाषा अर्जन क्या है, अधिगम क्या है, इसी तरह से हम आपको मातृभाषा बता दिए। अर्थात बच्चे में भाषा का विकास हो रहा है तो उसकी भाषा आप जानते हैं कि दोष मुक्त हो नहीं सकती है, कहीं ना कहीं उसकी भाषा कहीं ना कहीं किसी आंशिक या पूर्ण रूप से जरूर उसकी भाषा भाषाई दोष से ग्रसित होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न यही उठता है कि ये भाषागत दोष है क्या। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको बता दें, भाषा धन आगत, अर्थात भाषा में आगत गत, गत जा चुके, आगत आ चुके, भाषा में आए हुए दोष भाषागत दोष कहलाते हैं। तो प्रश्न हमारे समक्ष यह उठता है कि वास्तव में बच्चे की भाषा दोष युक्त क्यों होती है, क्या कारण है कि बच्चे की भाषा दोष युक्त हो जाती है, इसके पीछे अगर मुख्य कारण कभी पूछे तो बता दे दोस्तों, किसी भी बच्चे की भाषा, किसी की भाषा अगर दोष युक्त है तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रमुख जो इसका कारण होता है, मुख्य जो कारण होता है, मुख्य इसका कारण दोस्तों बच्चे के स्वर यंत्रों पर नियंत्रण का न होना होता है। बच्चे का स्वर यंत्रों पर नियंत्रण का न होना, याद रखिएगा दोस्तों, बच्चा बोलते समय अगर अपने स्वर यंत्रों पर, स्वर यंत्रों मतलब बोलने के आधार पर, आधार का मतलब यहाँ बेस है दोस्तों, बोलने के आधार पर या बेस पर या बोलने के जो स्थान है उनका सही से उपयोग नहीं करता है, जिसके कारण उसकी भाषा दोषयुक्त होती है। यह स्वर यंत्रों पर नियंत्रण कई कारणों से हो सकता है। एक कारण तो ये होता है कि जैसे बच्चे की भाषा दोषयुक्त इसलिए है कि वह जन्मजात रूप में उसके स्वर यंत्रों में विकार हो, जन्म से ही, हम कह सकते हैं जन्म से ही उसके स्वर यंत्रों पर क्या होता है दोस्तों, बच्चे के स्वर यंत्रों में विकार होता है तो भी उसकी भाषा क्या होती है, पूर्ण रूप से जो है क्या होगा, उसकी भाषा दोषयुक्त होगी। जैसे एग्जांपल देते हैं, किसी बच्चे का जन्म से ओष्ठ कटा हो तो वो बच्चा जब भी बोलेगा तो याद रखिएगा दोस्तों, मुख के साथ साथ नाक का भी यूज करेगा। जैसे आपको दो चार हम शब्द सुनाते हैं, जैसे वह बोलते समय कैसे कैसे वाक्यों का यूज करेगा कि आम चनिए हम भी आम के पीछे पीछे आते हैं, बच्चा जब भी बोलेगा इसी तरह की लैंग्वेज बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसका अपने स्वर यंत्र पर नियंत्रण नहीं है और जन्म से ही उसके होंठ कटे हुए हैं, इसलिए वह मुख के साथ साथ नाक का भी प्रयोग कर रहा है, अर्थात केवल मुख से बोले जाने वाली ध्वनियों को वह नाक से भी बोलेगा, इस कारण से भी उसकी भाषा दोषयुक्त होती है। और भी कारण हो सकते हैं, जीवा में विकार हो या किसी अन्य प्रकार के दोष हो मुख में तो भी उसकी भाषा दोषयुक्त होती है। एक होता है अभ्यास में कमी, स्वरयंत्रों का सही ढंग से अभ्यास नहीं कर पाने के कारण भी भाषा दोषयुक्त होती है। ज्यादातर यह छोटे बच्चों में देखा जाता है और आप जीता जागता उदाहरण विदेशियों को देख लें। जैसे विदेशी हमारे देश में आते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ की हिंदी लैंग्वेज को अगर सीखने की चेष्टा करते हैं, बोलने की चेष्टा करते हैं, तो आप देखे होंगे कि कितनी टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं। इसका क्या कारण है, उनके स्वरयंत्रों में विकार नहीं है अपितु उच्चारण अभ्यास में कमी है, जिसके कारण वे अपने उच्चारण स्थानों का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते, फलस्वरूप उनकी भाषा दोषयुक्त हो जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बच्चों की भाषा इसलिए दोषयुक्त होती है क्योंकि बच्चों का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं होता है। और दोस्तों, यह जो भाषा दोषयुक्त होती है यह कई रूपों में हो सकती है, जैसे दोस्तों हकलाना हुआ दोस्तों, इसी तरह से तुतलाना हुआ, इसी तरह से ध्वनियों का अस्पष्ट उच्चारण, मतलब बोले लेकिन सही से उच्चारण न हो,
अस्पष्ट उच्चारण और भी कारण हो सकते हैं दोस्तों, जैसे हम कह सकते हैं ध्वनि परिवर्तन, इस कारण से भी भाषा क्या होती है दोस्तों, दोषयुक्त होती है। अब दोस्तों लेके चलते हैं आपको यह बताने के लिए कि जैसे प्रश्न आपके आते कैसे एग्जाम में है, मान लीजिए कि जैसे आपसे प्रश्न आता है कोई बच्चा आपकी कक्षा में हकला रहा है तो तला रहा है, तो ऐसे बच्चे में भाषा का विकास आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसको बताने के से पहले हम आपको कुछ चीजें और बताना चाहते हैं कि अगर बच्चे की भाषा दोषयुक्त है तो उसके कौन कौन से रूप हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। कुछ प्रमुख रूप हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं, जैसे दोस्तों बताते हैं भाषागत दोष का एक रूप जो है दोस्तों वह यह है कि जैसे बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा का यूज करता है, मानक भाषा का प्रयोग, मानक भाषा का प्रयोग करते समय मातृभाषा मातृभाषा का उच्चारण करना या मातृभाषा का प्रयोग करना। जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि जब बच्चे घर से निकलकर विद्यालयी वातावरण में जाते हैं तो वहां पर शिक्षक क्या करते हैं, बच्चे को शिक्षक की भाषा क्षेत्रीय भाषा से मुक्त होती है, इसलिए शिक्षक एक मानक भाषा का सर्वमान्य भाषा का यूज करता है जिससे वह सब बच्चों को पढ़ा सके और समाज का विनंग बना सके। इसलिए जब कक्षीय वातावरण में बच्चा बोलते समय अपने मानक भाषा में अपनी मातृभाषा का यूज कर देता है तो उसकी भाषा दोषयुक्त हो जाती है। जैसे दोस्तों आप देखे होंगे गांव घर से बच्चे जब निकल करके घर परिवेश में कभी शहर की ओर आते हैं पढ़ने के लिए आते हैं तो क्या करते हैं, देखिए पहले तो बच्चा झेपता है, बोलता नहीं जल्दी, पहले चार लोगों के मध्य में अंतःक्रिया करने की चेष्टा करेगा, धीरे धीरे उनमें सामंजस्य स्थापित करेगा, तब जा करके बोलता है। अब बोलता भी है तो देखिए थोड़ा सा गलत बोल देता है, जैसे गलत बोलने का मतलब अपनी मातृभाषा का यूज कर देता है। जैसे दोस्तों हम बता दें जैसे कोई बच्चा है बोलते समय कह रहा है कि जो है वो आपको गुहरा रहे हैं कि पुकार रहे हैं या बुला रहे हैं, जैसे कह दें पानी उबल जाए तो उतार लीजिएगा, तो पानी बच्चा कह रहा है पानी बलक जाए तो उतार लीजिएगा, ये बलकना कैसा शब्द है, इस तरह से शब्दों का वह यूज करता है। जैसे गांव घर से निकल करके आया हैंडपंप पर गया तो वहां एक दूसरे मित्र से कहता है, क्या कहता है कि बम्बा चलाओ मैं भी पानी पीऊंगा, इसका मतलब क्या है, बम्बा क्या है, यहाँ पर मातृभाषा का यूज है। याद रखिएगा दोस्तों मानक भाषा का यूज करते समय जब मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर बच्चे की भाषा दोषयुक्त होती है। दोस्तों जैसे कोई बच्चा सड़क को सड़क कहे, इसी तरह से दोस्तों जैसे कोई बच्चा बोलते समय हैंडपंप को चापाकल कहे या बम्बा कहे तो समझ जाइएगा वह अपनी मातृभाषा का क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। इसी तरह से दोस्तों जैसे कीचड़ ना कह के चहला कहता है तो यह भी क्या है दोस्तों, अपनी मातृभाषा का यूज करता है। तो प्रश्न यहाँ हमारे समक्ष यह उत्पन्न हुआ कि नो डाउट मातृभाषा तो यूज करना गलत बात नहीं है, बट यहाँ पर मानक भाषा में यूज कर रहा है बच्चा, इसलिए भाषाई दोष से ग्रसित माना जाएगा। फिर एक शिक्षक का क्या कर्तव्य है, ऐसे बच्चे के प्रति शिक्षक का क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, तो दोस्तों याद रखिएगा अगर आप बच्चा बोल रहा है, अगर अपनी मातृभाषा में ही बोल रहा है तो आप उसको बोलने से न रोकें। ऐसा क्यों कहा गया, क्या कारण है इसका, बोलने से ना रोकें। अगर हम बच्चे को बार बार टोकते हैं या रोकते हैं, बच्चे को बार बार रोकते या टोकते हैं तो
बच्चे के बोलने का प्रवाह बाधित होगा। ऐसी दशा में बच्चा क्या होगा? बच्चा खामोश हो जाएगा। बच्चा खामोश हो जाएगा और उसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, हीनता की भावना प्रबल हो जाएगी। इसलिए जब बच्चा अपनी भाषा को या मानक भाषा का यूज करते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करे तो शिक्षक के रूप में आप उसकी मातृभाषा की उपेक्षा न करें। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, यदि आप मातृभाषा की उपेक्षा करेंगे, बार बार रोकेंगे या टोकेंगे, तो बच्चा खामोश हो जाएगा, उसमें हीनता की प्रबल भावना हो जाएगी दोस्तों। तो प्रश्न यहाँ यह उपस्थित होता है, तब क्या उसकी गलतियों को हम न सुधारें? सुधारें दोस्तों। कैसे सुधारना है तो आपको बता दें कि जब बच्चा बोलने लगे और मानक भाषा के प्रयोग में मातृभाषा का यूज करे तो दोस्तों याद रखिएगा, आप उसको गलत मत बताइए, अन्य बच्चों को भी बताइए कि गलत नहीं बोल रहा है, बट बोलते समय उसको बताइए आप कि इसको यह नहीं यह कहा जाता है मानक भाषा में, और स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करके बताइए। अगर बच्चा बोल रहा है पंडित जी सड़क पार कर रहे थे, इसका मतलब अड़क हो रहा है, ऐसी ध्वनियों को आप ज्यादा से ज्यादा उसको बुलवाइए। अगर बच्चा हैंडपंप को चापाकल या बम्बा कह रहा है तो ऐसी दशा में आप क्या करें? अगर बच्चा बोल रहा है हैंडपंप को चापाकल तो आप बताइए, अगर बच्चा कह रहा है कि पंडित जी आ रहे थे बम्बा लग गया, बम्बे से चोट लग गई, अब बम्बा का मतलब क्या है? यहाँ पे आप बताइए, अच्छा आप आ रहे थे और जो है हैंडपंप से आपको चोट लग गई, तब वहां बच्चा अपनी गलतियों को समझेगा कि हमें मानक भाषा का प्रयोग करते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं करना है, हमें हैंडपंप ही बोलना है, चापाकल या बम्बा नहीं बोलना है। धीरे धीरे बच्चा अपनी गलतियों को सुधार लेगा। इसलिए आप बार बार मत टोकिएगा, नहीं बोलने का प्रवाह बाधित होगा दोस्तों। तो ये रहा मैटर मातृभाषा से रिलेटेड। और आप जानते हैं कि एनसीएफ 2005 ने भी सुझाव दिया है कि यदि बच्चा अपने विचारों को लिखित या मौखिक रूप में अगर मातृभाषा में प्रकट करता है तो प्रकट होने दीजिएगा, नहीं तो बच्चा नर्वस हो जाएगा। अब दूसरी चीज, आप जानते हैं कि मातृभाषा का प्रयोग करने से बच्चे में सहजता और स्वाभाविकता आती है, और लिखने या बोलने में इसका सबसे महत्व होता है, किसकी? सहजता और स्वाभाविकता को, कि जिसे दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं विचारों की मौलिकता। तो दोस्तों लेके दूसरे दोष की तरफ चलते हैं। दूसरा दोष है दोस्तों हमारा महाप्राण की ध्वनियों का, महाप्राण दूसरा दोष है दोस्तों महाप्राण की ध्वनियों को अल्प प्राण में परिवर्तित करके बोलना। आप देखे होंगे, पहले तो हमारे समक्ष प्रश्न यह उठा कि महाप्राण क्या है। प्राण मतलब दोस्तों वायु होता है और महा मतलब होता है अधिक, अल्प मतलब थोड़ा होता है और प्राण मतलब वायु होता है दोस्तों। तो ऐसे व्यंजन, इनके अंतर्गत व्यंजन, ऐसे वर्ण, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करने पर मुंह से अधिक वायु बाहर निकलती है तो ऐसे वर्ण कहलाते हैं महाप्राण, और ऐसे वर्ण जिनको बोलने में कम वायु की आवश्यकता पड़ती है, कम श्वास बाहर निकलती है, ऐसे वर्ण अल्पप्राण कहलाते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें स्वर यंत्रों का ठीक ढंग से विकास नहीं हुआ रहता है और वे स्वर यंत्रों का ठीक ढंग से प्रयोग नहीं कर पाते हैं, परिणाम स्वरूप वे महाप्राण की ध्वनियों को अल्प प्राण में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे आपको एक जीता जागता उदाहरण बताते हैं, जैसे व्यवहार में आप लोग बचपन में रहे होंगे, बचपन में आप कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ घटी हैं, जैसे कथा वगैरह होने के बाद पंजीरी मुंह में ढेर सारा ले लेते थे और बोलते थे बोलो फूफा, जब फूफा बोलते थे तो पूरी पंजीरी बाहर। इसका मतलब क्या हुआ कि फ वर्ण बोलने पर मुंह से अधिक वायु बाहर निकल रही है, इसलिए फ वर्ण महाप्राण का है। अगर कोई बच्चा समझदार होता तो कह देता कि तुम फूफा बोलो मैं काका बोलूं। इसका मतलब
काका बोलने से पंजीरी कम बाहर निकलती जबकि फुफा बोलने पर अधिक, इसलिए क वर्ण अल्प प्राण का है और फ वर्ण महाप्राण का है। और इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों, जरा देख लें आप। तो वर्ग के दूसरे एवं चौथे अक्षर, वर्ग के दूसरे अक्षर दोस्तों, वर्ग के दूसरे अक्षर कौन, जैसे देखें आप क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। आप देखें दोस्तों ये पांच वर्ग हो गए, और आपने देखा कि पांचों वर्गों में इनको हम इस तरह से बांट देते हैं, और पांचों वर्गों में आप देख रहे हैं कि वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर। अब यहां पे पूछा जा रहा है कि वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर, तो वर्ग का दूसरा अक्षर दोस्तों ये है और चौथा अक्षर ये है, अर्थात वर्ग के दूसरे अक्षर ख छ ठ थ प, चौथे अक्षर घ झ ढ ध भ, अर्थात वर्ग के दूसरे अक्षर ख छ ठ थ एंड दोस्तों फ। वर्ग के चौथे अक्षर दोस्तों जैसे आपके हैं घ झ ढ ध और भ। इस तरह से बच्चा क्या करता है, इस महाप्राण की ध्वनियों को बच्चा अल्प प्राण में कन्वर्ट कर देता है। अल्प प्राण में वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें अक्षर आते हैं, लेकिन इनको जब चेंज करता है तो वर्ग के पहले, दूसरे एवं पांचवें अक्षर आते हैं। तो बच्चा क्या करता है, बोलते समय वर्ग के दूसरे अक्षर को, वर्ग के इस दूसरे अक्षर को बच्चा क्या करता है, पहले अक्षर में कन्वर्ट कर देता है, अपने ही पहले अक्षर में। अर्थात बच्चा बोलते समय क्या करता है, ख को क में बदल देता है, छ को च में बदल देता है, ठ को ट में बदल देता है, थ को द में बदल देता है, सॉरी थ को त में बदल देता है, ह को प में बदल देता है। उदाहरण आपको एकदम व्यक्तिगत देते हैं, जैसे कोई बच्चा आपकी कक्षा में रो रहा है, आपने पूछा बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो, तो बच्चा कहता है हमें खाना चाहिए, हम खाना खाएंगे, मतलब खाना नहीं खाना, ख चेंज इनटू क, अर्थात वह ख को किसमें बोल दिया, क में बोल दिया। इसका मतलब कौन सा दोष है दोस्तों, महाप्राण से संबंधित दोष है, महाप्राण की ध्वनियों को बच्चा अल्प प्राण में बदल दे रहा है। इसका मतलब बच्चा खाना को क्या कह रहा है, काना कह रहा है। इसी तरह से दोस्तों छ को बच्चा च कहेगा, जैसे बच्चे से पूछे बेटा छाता बोलो, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कहते हैं छाता। इसी तरह से दोस्तों आपको बता दें कि ठ को अगर कहिए बेटा बोलो ठठेरा, तो बच्चा कह रहा है टटेरा। इसका मतलब कौन सा दोष है दोस्तों, वहां महाप्राण की संबंध, महाप्राण की ध्वनियों से संबंधित दोष है। इसी तरह से दोस्तों थ को जैसे छोटे बच्चों से पूछिए बेटा बोलो थर्मस, तो ज्यादातर र को तो बच्चे ल कहते हैं, तो इसको थर्मस को तलमस कहेगा या फिर तरमस कहेगा, लेकिन थ को त में बदल देगा। इस तरह से फ को जैसे क्या कहेगा, जैसे फूफा जी को फूफा जी कहेगा। मान लीजिए कोई बच्चा कल्लू है, बहुत खुश है आज, और पूछे कि बेटा क्या बात है, क्यों इतना जो है तुम खुश हो, तो बच्चा क्या कहता है दादा जी फूफा जी आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, फ चेंज इनटू फ प, इसका मतलब फ को फ में बदल देता है। इसी तरह से दोस्तों आपको बताते चलें कि बच्चा वर्ग के चौथे अक्षर को अल्प प्राण में जब बदलता है तो अपने ठीक पहले वाले वर्ण में बदल देता है। अर्थात बच्चा बोलते समय घ को क्या कहता है, घ को ग कहता है। जैसे कोई बच्चा बोलते समय यदि कहे कि घर को घर, तो समझ जाइएगा दोस्तों घर को घर कहना किस टाइप का दोष है, वहां पर महाप्राण की ध्वनियों से संबंधित दोष है। जैसे झ को बच्चा ज कह रहा है, जैसे झंडा को झंडा कह रहा है,
तो कौन सा दोष है दोस्तों? महाप्राण की ध्वनियों से संबंधित दोष है। ढक्कन को ढक्कन कह रहा है तो कौन सा दोष है दोस्तों? महाप्राण की ध्वनियों से संबंधित दोष है। इसी तरह से दोस्तों अगर बच्चा बोलते समय धनुष को धनुष कहता है, धनुष को क्या कह रहा है दोस्तों? धनुष को धनुष कह रहा है, तो समझ जाइएगा दोस्तों महाप्राण की ध्वनियों से संबंधित दोष है। अगर भ को ब कह रहा है तो समझ जाइएगा जैसे भजन को भजन कह रहा है, भोजन को भोजन कह रहा है, तो समझ जाइएगा दोस्तों वहां कौन सा दोष है? महाप्राण की ध्वनियों से संबंधित दोष है। इस तरह से आपके एग्जाम में पूछ लेता है एग्जामिनर, जैसे कि तमिल भाषी अयंगर बोलते समय भजन को भजन कहता है, तो आपने देखा कि भ को वह ब बोल रहा है, इसका मतलब वर्ग के चौथे अक्षर को वह किसमें बोल रहा है दोस्तों? भ को वह ब बोल रहा है, इसका मतलब महाप्राण की ध्वनियों से संबंधित दोष है। क्योंकि दोस्तों बच्चा बोलते समय वर्ग के चौथे अक्षर को अगर तीसरे में बदल दे, दूसरे को पहले में बदल दे, तो समझ जाइएगा वहां महाप्राण की ध्वनियों से संबंधित दोष है। इसके बाद के दोस्तों इसके बाद के दोष को हम आगे बताते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। इसके पहले आपको कुछ और सूचना दे दें, अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो 94 73 88 12 83 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारे YouTube चैनल में जाकर कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय या अपने प्रश्नों को आप पूछ सकते हैं। और हम लोग पर डे ऑनलाइन क्लासेस लाइव होंगे पर डे 8 बजे के करीब, आप उस समय भी हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों।